उपस्थित अध्यापकगण तथा प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सारा भारत बड़ी धूमधाम से इस 71वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। गणतंत्र दिवस को मनाने के साथ इसके मनाने का कारण भी जानना आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, परंतु इस समय हमारे देश में कोई भी लिखित संविधान नहीं था। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने तथा 18 दिन में भारत का संविधान तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में यह बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, उसकी रक्षा करना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान में सभी धर्मों को बराबर का हक दिया है, इसीलिए कहते हैं भारत माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इसने अपने आंचल में पाला है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा जब तक तुझमें जान है। जय हिंद। धन्यवाद।